हम बनाने वाले हैं हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बालूशाही, वो भी घर पर ही, जो कि बाहर से तो बहुत ज़्यादा खस्ता है और अंदर से उतनी ही जूसी। देखिए, लग रही है ना आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बालूशाही, और जिसे बनाना ना केवल बहुत ज़्यादा आसान है बल्कि ये मिनटों में बन करके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स भी पड़ते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत स्वाद लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा, एक कटोरी चीनी जो कि ग्राम में 200 ग्राम है, और ये है पिसी हुई चीनी, और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल, और ये है 6 से 7 हरी इलायची का पाउडर, और हमने लिया है आधा चम्मच ये बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर चीनी का सिरप बना लेते हैं यानी चाशनी, और उसके बाद हम आगे करेंगे मैदा गूंदने की तैयारी बालूशाही के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस पर रख लिया है बर्तन और उसमें ऐड कर ली है चीनी, और ये है आधा कटोरी पानी, यानी कि अगर हम एक कटोरी चीनी लेते हैं तो हमें आधी कटोरी पानी ही ऐड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और बस अब हम चीनी को होने देंगे मेल्ट। यहाँ पर हम एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने का वेट करेंगे। और अब यहाँ पर चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं अच्छे से घुल गई है। तो इस स्टेज में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इलायची का पाउडर, और इसे एक उबाला आने तक हम यहाँ पर कुक करेंगे, फिर गैस को कर लेंगे बंद। तो देखिए लगभग 1 मिनट बाद ही यहाँ पर चाशनी में उबाला आ गया है। तो चलिए गैस को बंद कर लेते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा बर्तन और उसमें ऐड कर लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर और 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो 4 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। और ये है रिफाइंड ऑयल और ये है 15 चम्मच। इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हाथ से हम मिक्स करेंगे ना मैदे को अभी, तो अगर ये बाइंड हो जाता है तो इनफ है, और यहाँ पर ये 15 चम्मच काफ़ी है, यानी कि हमें रिफाइंड ऑयल अच्छे से डालना है। और बालूशाही का मज़ा भी तभी आता है, इसके 2 टिप्स है यानी सीक्रेट, और सीक्रेट्स ये हैं इसके कि एक तो इसमें मोइन अच्छा डालाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और दूसरा हम इसे गर्म पानी में गूंदेंगे यानी गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा हो और हाथ में हम उसे ले भी सकें। तो चलिए अब आपने देखा ना कितने अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये गर्म पानी, और मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पर मैदे को मलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमने कोई इसका फाइन सा डो नहीं बनाना, हमने सिर्फ इस मैदे को जोड़ना है बहुत ही कम पानी ऐड करके, ताकि ये फटाफटा सा रहे। और ये ही इसका बहुत ज़्यादा एक मेन स्टेप है। अगर आपने यहाँ पर मैदे को बहुत अच्छे से जोड़ लिया तो आपकी बालूशाही 100% बहुत अच्छी बनेगी, खस्ता भी, जूसी भी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी, यहाँ तक कि हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे आप। तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ और आटे को जोड़ती जा रही हूँ। और हाँ, एक बार मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पानी आप गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और पानी की क्वांटिटी भी बहुत ही कम ऐड कीजिएगा, जितना कि जरूरी हो बस उसे जोड़ने के लिए, वो ड्राई सा भी रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको बिल्कुल फाइन डो बना दें, फिर तो वो पूड़ी का आटा या फिर ऐसे बन जाएगा जैसे रोटी का बनता है, फिर हमारी बालूशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देखिएगा कि हम जब बनाएंगे ना तो बालूशाही को हम शेप देंगे तो वो फटाफटा सा चारों तरफ से बालूशाही दिखेगी, और यही कारण है कि इजीली उसके अंदर चाशनी भी चली जाती है, और इजीली ही उसके अंदर जब हम फ्राई करते हैं तो वो अंदर से कुक भी हो जाता है, ऑयल अंदर तक पहुंच जाता है, और हार्डली ये 3 से 4 मिनट के अंदर बन करके फ्राई होकर के तैयार हो जाती है, बस फिर हमें इसे चाशनी में डालना होता है। तो अब हमारा यहाँ पर मैदा हो चुका है तैयार। तो देखिए मैंने कितना इसको जोड़ लिया है और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन हाँ ये स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड रखा है और हम इसे अच्छे से शेप ना दे पाएं, ऐसा भी नहीं करना। तो बस हाथ में हमने अब एक ले ली है छोटी सी बोल, जितना कि एक नींबू का साइज होता है, और देखिए मैं हाथ से इसे किस तरह से मल रही हूँ। पहले इसको हमने हाथ से अच्छे से गूंद लेना है और फिर बाद में गोल गोल रोल करना है, और इसके बाद हम रोल करने के बाद इसमें एक बीचों बीच एक छेद करेंगे फिंगर से। तो आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, फिंगर से बीच में छेद करना है, आर पार नहीं करना, हमने बिल्कुल नीचे तक ले जाना है, लेकिन बैक साइड में इसको छेद नहीं करना।
इससे क्या होगा कि घी इसके अंदर तक जाएगा फ्राई होते हुए और ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो देखिए दिख रहा है ना, मैंने पीछे से होल नहीं किया है लेकिन डीप इसका मैंने छेद किया है और चारों तरफ से ये फटा हुआ आपको नजर आ रहा है और बिल्कुल बालूशाही ऐसे ही होती है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी भी यहाँ पर बालूशाही तैयार कर लेंगे, यानी सारी की सारी बालूशाही तैयार कर लेंगे। और मैं हाथ से देखिए कितने अच्छे से पहले मैंने उसको मलाया और बाद में मैं उसे दोनों हाथों के बीच में रोल कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर आपको फिर से शेप दिखा रही हूँ। तो हम इसमें बीच में फिंगर रख करके देखिए छेद कर रहे हैं और उसको घुमा भी रहे हैं अंगूठे की हेल्प से। तो बस इसी तरीके से हमने सारी की सारी बालूशाही तैयार करनी है। और मैं फिर से आपको कैमरे को ऊपर रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक से विजिबल हो जाए। तो देखिए मैं अंगूठे से इसको घुमाती जा रही हूँ और फिंगर को मैंने बीच में रखा है। छेद आप उतना ही रखिएगा इसके बीच में बालूशाही में जितने आपके फिंगर का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं ना तो ये फूल जाती है। अगर आप छोटा सा इसमें होल रखेंगे तो वो क्या होगा कि बंद हो जाएगा फ्राई करते समय, फूलेगी ना ये उस टाइम पे फ्राई करते समय। तो देख लीजिएगा जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी सारी की सारी बालूशाही को शेप देनी है। और अब यहाँ पर तेल हो चुका है मीडियम गरम और गैस भी है बिल्कुल लो फ्लेम में। ध्यान रखिएगा तेल हमने बस मीडियम गरम से ऊपर ज़्यादा गरम नहीं करना, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर एक छोटी सी मैदे की गोली डाल करके देखिएगा और जैसे ही बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे मीन्स तेल रेडी है। हमने बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई नहीं करना और ये हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो देखिए ये हाफ फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल करके सबसे पहले चाशनी में डाल देंगे गरम गरम। लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले यहाँ पर निकाल करके दिखाऊंगी एक प्लेट में। तो देखिए हमारी बालूशाही हो चुकी है गोल्डन ब्राउन और हम इन्हें उतार रहे हैं और मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी बालूशाही बन करके रेडी हुई है, बिल्कुल जैसे कि एक होनी चाहिए परफेक्ट वही। और हम इसे ऐड कर रहे हैं अब चाशनी के अंदर और चाशनी में हम इसे डिप करेंगे 1 मिनट तक, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर शुगर पाउडर डाला हुआ है और चाशनी में ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेगा चाशनी को, क्योंकि हमने जो गूंदा हुआ है ना, जो ये फटा हुआ सा गूंदा था तो इजीली ये एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी को हार्डली 1 मिनट के अंदर। इससे ज़्यादा हम डिप नहीं करेंगे। और जब तक हम यहाँ पर दूसरी वाली बालूशाही डाल रहे हैं उसके डालने के बाद हमारा तकरीबन एक मिनट हो चुका होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब 1 मिनट हो चुका है और मैं यहाँ पर सारी की सारी बालूशाही निकाल रही हूँ बाहर चाशनी से। और जैसे ही दूसरी वाली हमारी फ्राई हो जाएंगी तो हम फिर से इस चाशनी में डाल देंगे उन्हें। देखिए लग रही है ना कितने सुंदर और कितना आसान है इन्हें बनाना, झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी फ्राई होती है ये। बस सेम इसी तरीके से एक एक करके हम सारी के सारी अपनी बालूशाही रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, लो से ऊपर नहीं, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि टेम्परेचर तेल का हाई हो गया है तो गैस को जरूर बंद कर दीजिएगा और फिर से उसे स्टार्ट कीजिएगा। यानी कि जब हम इसमें बालूशाही ऐड करते हैं तेल में तो बस उसमें बबल्स उठने चाहिए। वैसे भी 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है ये बालूशाही। अगर टेम्परेचर हम हाई रखेंगे तो वो बालूशाही जैसे ही आप तेल में ऐड करेंगे तो वो एकदम ब्राउन हो जाएगी और फिर अच्छे से अंदर से कुक नहीं हो पाएगी। तो देखिए हमारी सारी की सारी बालूशाही हो चुकी है तैयार। लग रही है ना आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और सुंदर, और कितना आसान है इन्हें बनाना। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि मैदे को गूंथते समय हमने उसमें कम से कम पानी ऐड करना है। तो चलिए मैं इसमें से आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने सुंदर बालूशाही बनकर के हमारी तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जो कि बाहर से तो बहुत ही खस्ता है और अंदर से उतनी ही जूसी। सच मानिए अगर आपने भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके सेम तरीके से बालूशाही बनाई ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बालूशाही हम घर में बना सकते हैं क्या, और ये सच है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।